कि 70 साल के बाद जो हमें इंसाफ मिला है वो बीजेपी के दौर में मिला है। एक ख्वाब था जो आप जिस जो शर्मिंदे ताबीर हो रहा है वो शर्मिंदे ताबीर हमारी एसटी कम्युनिटी की ये जो हो रहा है। मैं दिल की गहराइयों से प्रधानमंत्री मोदी साहब का, अमित शाह साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो 38 सीटें डीडीसी के लिए रिजर्व की थी उसका भी हमारी कम्युनिटी का मफाद हुआ। अगर आज की बात करें तो आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सरकार ने 9 सीटें जो एमएलए के लिए रिजर्व की हैं। मैं दिल की गहराइयों से प्रधानमंत्री मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, वो खासकर हमारी रियासत के जो रविंदर रैना साहब, अशोक साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतिहास में ये अगर रहेगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि 9 सीटें हमारे एसटी के लिए रिजर्व की। मनाने का मकसद है, ये इतिहास बन गया है अब, क्योंकि 70 साल में पहली बार है। ये मरकजी सरकार की वजह से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या जो ये चुनाव कमीशन है उन लोगों ने किया है। पहली बार हमें जो हक था वो हक मिला है, इसलिए हम उनको मुबारकबादी देने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम दिल की इमीन गहराइयों से पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल्स हैं उनकी तरफ से हम मरकजी सरकार को मुबारकबाद देते हैं।